नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सच लक्ष्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। दोस्तों, जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता होगा, बट जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको पता नहीं होगा कि ये जो हमारा YouTube चैनल है दोस्तों, ये इसी साल शुरू हुआ है। और इससे पहले भी 2018 में मैंने वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश की थी, परंतु किन्हीं कारणों से उनको बंद करना पड़ा था। तो ये मैंने इस साल दोबारा शुरू किया है और मैं इसमें MS ऑफिस के कोर्स का इंट्रोडक्शन लेके आया था सबसे पहले। और मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये बताया था कि मैं एक नया कोर्स शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको MS ऑफिस से रिलेटेड सारी वीडियो, सारे टॉपिक, सारे बेसिकली ऑप्शंस कराऊंगा। तो उस सीरीज में दोस्तों ये तीसरी या चौथी वीडियो है, वो आप देख लेना। मेरे ख्याल से अगर चैनल के इंट्रोडक्शन को आप काउंट करते हो तो ये चौथी वीडियो है, अदरवाइज ये तीसरी वीडियो है। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं जिनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले जाकर वो जो डिस्क्रिप्शन है मेरा इस वीडियो का, उसके लिंक दिए हुए हैं कुछ, उन पर जाकर क्लिक कीजिए आप और सभी लिंक्स को चेक कीजिए कि मैंने किस में क्या वीडियो दी हुई है, किस में क्या समझाया है, क्या पढ़ाया है। उसके बाद देन आकर अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि मैं क्या करा रहा हूँ, किस तरीके से करा रहा हूँ और किस ऑर्डर में करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये वीडियो बेसिकली क्यों बना रहा हूँ ये सब आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा अगर आपने वो वीडियोस देखी हुई है। अगर नहीं देखी है तो जाकर पहले देखिए और देन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो है विंडोज़। ठीक है, तो विंडोज़ टॉपिक कराने के बाद पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स ऑप्शन बता देना चाहूँगा, जिसको आप समझ लेंगे तो आपको विंडोज़ का टॉपिक करने में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों चलिए मैं सबसे पहले आपको जो बताना चाहूँगा उसमें टॉपिक में सबसे पहला ऑप्शन है माउस का। देखिए, माउस को बहुत अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप विंडोज़ के टॉपिक को समझना चाहते हैं। माउस में बेसिकली तीन बटन होते हैं दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन और एक बीच का स्क्रॉल बटन बोलते हैं जिसको। तो जो लेफ्ट बटन है दोस्तों, वो जो लेफ्ट बटन है उसको सबसे ज़्यादा बार क्लिक किया जाता है। ठीक है, राइट बटन जो होता है आपका, उसको उसके मुकाबले थोड़ा कम प्रेस किया जाता है। और जो आपका स्क्रॉल का बीच वाला बटन है उसको तो दोस्तों सिर्फ दो ही काम में यूज़ किया जाता है। आप बेसिकली इसको लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक, उसको पेज को बड़ा और छोटा करने में, बड़ा करना मतलब जूम इन करने में और छोटा करना मतलब जूम आउट करने में। कई सारे सॉफ्टवेयर्स में हम इस स्क्रॉल बटन का यूज़ पेज को अप एंड डाउन करने के लिए भी यूज़ करते हैं, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, और पेज को छोटा और बड़ा करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इन दो ही पर्पज़ से हम जो स्क्रॉल बटन है, जो माउस के बीच वाला बटन है जो उठा सा रहता है, उस बटन को हम इसी पर्पज़ से यूज़ करते हैं। ठीक है, फोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बार बार बोल रहा हूँ। बट इसके अलावा दोस्तों, ये दो ऑप्शन के अलावा और बेसिकली कोई भी यूज़ नहीं होता है स्क्रॉल बटन का माउस के। और जो लेफ्ट और राइट बटन है उनका यूज़ मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम एक कोड यूज़ करेंगे जिसको मैं आपको समझाऊंगा, तो आप बेसिकली उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा इस पूरे वीडियो के लिए। अगर मैं आपको कभी भी बोलूँ इस वीडियो के दौरान कि आपको क्लिक करना है, तो आप समझ जाएंगे कि आपको लेफ्ट बटन क्लिक करना है। और जब भी मैं आपको बोलूँ दोस्तों कि आपको राइट क्लिक करना है, तो आपको उस समय राइट क्लिक ही करना है। यानी राइट क्लिक के लिए मैं स्पेशल आपको बोलूंगा कि आपको राइट क्लिक करना है, लेकिन लेफ्ट बटन के लिए मैं ओनली क्लिक बोलूंगा। तो इस बात को बार बार नहीं समझाऊंगा, आप लोग इस बात को समझ जाइएगा ऑटोमेटिकली कि जब भी मैं क्लिक करने के लिए बोल रहा हूँ इट मीन्स कि लेफ्ट क्लिक, और जब भी मैं राइट क्लिक के लिए बोल रहा हूँ तो इट मीन्स ऑब्वियसली राइट क्लिक ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो ये फ्री स्पेस होता है, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप एरिया। ठीक है, या डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी बोलते हैं दोस्तों। इस बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए, इस डेस्कटॉप के वॉलपेपर को, जो चित्र लगा हुआ है इस पे, जो फोटो लगी हुई, जो पिक्चर लगी हुई है उसको वॉलपेपर बोलते हैं। इस वॉलपेपर को चेंज करने के लिए हम ये जो डेस्कटॉप का फ्री स्पेस है इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों, पर्सनलाइज का ये जो ऑप्शन आ रहा है आपका, यानी ये जो पॉपअप मेन्यू खुल के आ रहा है, इसमें ऑप्शंस कई सारे आ रहे हैं आप देख पा रहे हो, इसमें हम पर्सनलाइज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इस पर्सनलाइज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद, क्लिक मतलब लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपका सेटिंग्स का ये पेज खुलेगा। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे सेटिंग्स लिखा हुआ है, सेटिंग्स का पेज खुलेगा दोस्तों। इस पेज को खोलने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है बैकग्राउंड का। ठीक है, तो बैकग्राउंड का चेंज करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड में यहाँ पिक्चर लगाना हो हमें कोई, या सॉलिड कलर से, या स्लाइड शो लगाना, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एक एक करके सबका मतलब समझाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले पिक्चर की बात करते हैं। अगर आप पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास कुछ पिक्चर्स आ जाएंगी, या फिर आप ब्राउज करके अपने कंप्यूटर्स में से भी पर्टिकुलरली कोई पिक्चर लगा सकते हैं, जो भी पिक्चर आपको अच्छी लगती है दोस्तों। जैसे यहाँ पे सेव्ड की पिक्चर्स है, सेव्ड पिक्चर्स करके एक फोल्डर बना हुआ था, इसमें फिलहाल कोई पिक्चर नहीं है, बट अगर होती तो आप उस पर क्लिक करके और यहाँ से चूज पिक्चर पर क्लिक कर देते, उस फोटो को सेलेक्ट करके और इस चूज पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक कर देते तो वो पिक्चर आपकी स्क्रीन पे लग जाती। जैसे कि फिलहाल मान लीजिए मैं यहीं से कोई पिक्चर ले लेता हूं, मान लीजिए मुझे ये फोटो अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे लगानी है, बैकग्राउंड पे लगानी है, तो हम इसके लिए इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे। क्लिक मतलब माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, क्लिक किया। ठीक है, और आप यहां प्रीव्यू में देख सकते हो कि ये फोटो लग गई है। तो देखने के लिए आप यहां से मिनिमाइज का बटन दबाएंगे, ठीक है, और आपकी विंडो मिनिमाइज हो जाएगी, स्क्रीन मिनिमाइज हो जाएगा, और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ये पिक्चर लग गई है। तो इतना आसान होता है दोस्तों बैकग्राउंड को चेंज करना। ठीक है,
अगर आप यहाँ पे दोबारा दूसरा पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वापस इस पर क्लिक कीजिए सेटिंग्स के पेज पे, और ये पेज ऊपर से वापस आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और आप दोबारा जाके किसी और पिक्चर पे अगेन, मान लीजिए मुझे वही फोटो दोबारा लगानी, तो उस पर दोबारा क्लिक करके और यहाँ पर प्रिव्यू देख सकते हो कि वो फोटो लग गई है। चेकआउट करना है तो यहाँ पर जाके फिर से मिनिमाइज कीजिए और आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, कि वो पिक्चर लग गई है। तो इस तरीके से डेस्कटॉप को वॉलपेपर चेंज करते हैं पिक्चर लगा के। दूसरा ऑप्शन है इसी में, अगर आप पिक्चर नहीं लगाना चाहते, आप कोई सॉलिड कलर लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से कलर ले लीजिए, और जो भी कलर आपको अच्छा लगता है, यहाँ रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको जो भी कलर अच्छा लग रहा है वो कलर आप बैकग्राउंड के ले लीजिए। फिलहाल मैं ब्लैक ले रहा हूँ, तो ब्लैक लेते ही आप देख पा रहे होंगे कि जो ये पूरा वॉलपेपर है वो हट गया और प्लेन ब्लैक कलर आ रहा है पूरी विंडो पे, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं वॉलपेपर ही है, बट बेसिकली इसमें सिर्फ कलर है, ठीक है दोस्तों, और कलर भी कौन सा हमने सेलेक्ट किया, ब्लैक, इसलिए यहाँ पे ब्लैक आ रहा है। तीसरा ऑप्शन है हमारा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर्स आए, लेकिन पिक्चर्स एक स्लाइड शो की तरह है, यानी चीजें बदलती रहें, पिक्चर्स बदलती रहें समय के साथ, तो आप स्लाइड शो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्राउज करके कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट कर लेंगे अपने कंप्यूटर्स में से। मैंने बोला हमारे कंप्यूटर्स में पिक्चर्स नहीं है, तो फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आप पर्टिकुलर उस फोल्डर को खोलकर जिसमें वो पिक्चर्स हैं इस तरीके से, और उस पिक्चर को सेलेक्ट करके फिर से अगेन चूज दिस फोल्डर, मतलब बाहर से आप उस फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे ये फोल्डर है, चूज दिस फोल्डर करके और यहाँ से उस पिक्चर्स को ले सकते हैं, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, ब्राउज में जाएंगे, पर्टिकुलरली ब्राउज मतलब होता है ढूंढना, और उस पिक्चर के फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जिसमें वो पिक्चर्स हैं, सेलेक्ट करने के बाद चूज दिस फोल्डर पर क्लिक करेंगे और वापस बाहर आ जाएंगे, तो वो पिक्चर्स में जितने भी फोटोज होंगे दोस्तों वो यहाँ पे आ जाएंगी और आपकी पिक्चर्स बदलती रहेंगी। फिलहाल अगर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, स्लाइड शो, तो मैं नॉर्मल पिक्चर्स भी ले सकता हूँ जैसे यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद पिक्चर कोई भी आप लगाते हैं, चाहे आप स्लाइड शो के तहत लगाएं या किसी भी तरीके से लगाएं, उन पिक्चर्स को आप बेसिकली तीन या चार तरीके से लगा सकते हैं, पांच तरीके से, छह तरीके से, जो भी यहाँ पे तरीके दिखा रहे हैं इतने तरीके से आप लगा सकते हैं। मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ फिल को, क्योंकि फिल का मतलब होता है ऑटोमेटिकली उसका साइड एडजस्ट करके वो पूरी स्क्रीन पे उस पिक्चर को ले लेता है इस तरीके से, जैसे आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको उसको इस तरीके से नहीं लेना, तो आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से फिट में देखिए, कुछ इस तरीके से आएगा, आप बैकग्राउंड में इस तरीके से भी चेक कर लीजिए, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, इस तरीके से पिक्चर आएगी। बैकग्राउंड आपका अभी भी ब्लैक ही है, ठीक है, जो हमने लिया था। इसके अलावा आप इस तरीके से पिक्चर्स ले सकते हैं, पिक्चर्स लगी हुई। इसके बाद आपका दोस्तों फिट के बाद आपका अगला ऑप्शन जो आता है वो है स्ट्रेच का। स्ट्रेच में कुछ इस तरीके से पिक्चर लगेगी आपकी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन था ना यहाँ पे, ठीक है, सॉलिड कलर में बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन था आपका, वो हमने ब्लैक लिया था, इसलिए यहाँ पे ब्लैक कलर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से कोई इस तरीके का कलर लेते हैं, या फिर आप ग्रीन कलर लेते हैं, या जो भी आपको कलर लगता है, कस्टम कलर भी आप यहाँ से जाके बना सकते हैं अपना खुद का भी, जो आपको अच्छा लग रहा हो, जैसे आप ऐसा कुछ कलर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से लाइट आप बना लीजिए डन करके, ठीक है। बनाने के बाद आप देखेंगे कि आपके बैकग्राउंड का कलर ऐसा आ रहा है, और ये फर्क आपको तब दिखाई पड़ेगा जब आप यहाँ से पिक्चर्स लेंगे। पिक्चर्स लेने के बाद आप यहाँ पे जाके स्ट्रेच करेंगे उस पिक्चर को, और स्ट्रेच करने के बाद आप देख पाएंगे, या फिट करने के बाद आप देख पाएंगे कि बैकग्राउंड कलर इस तरीके का आ रहा है। तो बेसिकली इस पिक्चर के पीछे भी एक बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है, वो कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर चूज करते हैं। जब आप यहाँ से सॉलिड कलर लेंगे तो वहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा आप, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट आई होप कि इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर में कस्टम कलर में जाके हम खुद का कलर बनाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पिक्चर्स का ऑप्शन होता है, ठीक है, पिक्चर से हम पिक्चर चूज कर सकते हैं अपने विंडोज के लिए, जो भी हमें ठीक लग रही हो, उस पिक्चर को किस तरीके से लगाना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइल्ड में लगाएंगे तो टुकड़ों में आएगा, टुकड़ों में आने का मतलब ये है कि वो पूरी पूरी पिक्चर नहीं आएगी, उसका कुछ पार्ट आएगा। देख रहे हैं आप, काफी यहाँ पे स्क्रीन फटी हुई आ रही है, धुंधली सी आ रही है, क्योंकि उसका सिर्फ एक पार्ट लिया गया है, पूरी पूरी पिक्चर नहीं ली गई है, ठीक है दोस्तों। तो टाइल का ये टुकड़ा वाला पार्ट आ गया, सेंटर में आपकी पिक्चर कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है, स्पैन में इस तरीके से आएगी, आप जिस भी तरीके से देखना चाहे। बेसिकली सबसे बेस्ट मेरे को लगता है फिल, तो आपको जो भी ठीक लगे आप लगा सकते हैं, फिलहाल मैंने यहाँ पे फिल लगाया है। इसके बाद अगला है कलर्स के लिए, तो आप जो ये बैकग्राउंड का कलर वगैरह, फिलहाल ये देख रहे हैं ना ग्रीन कलर आ रहा है, तो इस तरीके से ग्रीन कलर यानी फॉन्ट वगैरह भी आप देख रहे हैं, सब ग्रीन ग्रीन आ रहे हैं। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने कलर ग्रीन सेलेक्ट किया। अगर आप इसी को ब्लू लेते हैं तो सब कुछ ब्लू हो जाएगा, ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। तो वो आपकी मर्जी, आपको जो भी कलर सेलेक्ट करना है ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं सेलेक्ट। हाँ, यहाँ से आप एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली पिक एंड एक्सेंट कलर फ्रॉम माई बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, जिसमें विंडोज ऑटोमेटिकली खुद सेलेक्ट करेगी कि उसको कौन सा कलर लेना है। फिलहाल मेरे को सबसे बेस्ट यहाँ पे ग्रीन लग रहा है, तो दोस्तों मैं तो यही रखने वाला हूँ। आपका मन है, आप क्या रखना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। फिर अगला ऑप्शन है लॉक स्क्रीन का। लॉक स्क्रीन का मतलब है कि जब आपके कंप्यूटर पे काफ़ी देर तक आप काम नहीं करते हैं दोस्तों, और उस टाइम पे आपका कंप्यूटर लॉक हो जाता है, यानी उसमें अगर आपने पासवर्ड लगा रखा है तो वो पासवर्ड मांगेगा उसको फर्दर खोलने के लिए, ताकि आपके कंप्यूटर को कोई भी अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर पाए,
कोई भी ऐसा इंसान जो आपके कंप्यूटर का ऑथराइज पर्सन नहीं है, जो उस कंप्यूटर को चलाने का हक नहीं रखता है, वो उसको यूज ना कर पाए, उसके लिए हम यहाँ पे लॉक स्क्रीन ऑप्शन का यूज विंडोज ने दे रखा है। ये ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड के बाद कंप्यूटर लॉक कर लेती है अपनी स्क्रीन को। जैसे आपका मोबाइल्स में आपने देखा ना, अपने स्मार्टफोन्स में ऑटोमेटिकली कुछ देर तक स्क्रीन ऑन रहती है, उसके बाद जब स्क्रीन ऑफ हो जाती है, उसके बाद आप दोबारा क्लिक करते हैं पावर का बटन, तो जो स्क्रीन ऑन होती है उसके बाद वो बेसिकली उसमें पासवर्ड डालना पड़ता है या फिंगरप्रिंट देना पड़ता है या पिन देना पड़ता है, तब जाके वो स्क्रीन खुलती है। तो वैसा ही कुछ ऑप्शन यहाँ पे लॉक स्क्रीन का भी है। ठीक है दोस्तों, तो लॉक स्क्रीन भी वही काम करती है। इवन दिस जब आप विंडोज को ऑन भी करेंगे, अपने कंप्यूटर को ऑन भी करेंगे, तो सबसे पहले यही स्क्रीन आती है जिसपे पासवर्ड देने के बाद ही आप आगे फर्दर कंप्यूटर में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप इसमें देख सकते हैं विंडोज स्पॉटलाइट करके आपका ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से पिक्चर्स भी ले सकते हैं लॉक स्क्रीन के लिए कोई, अगर आपको पसंद आ रही है आप इनमें से कोई पर्टिकुलर पिक्चर है, नहीं तो फिर वही सेम ब्राउज का ऑप्शन है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ कैलेंडर वगैरह से रिलेटेड ऑप्शन है, स्टेटस वगैरह से, वो भी ले सकते हैं। चूज ऐप्स टू शो क्विक स्टेटस, कुछ ऐप्स ले सकते हैं आप जो कि आपके स्टेटस को क्विकली शो करेंगे, लाइक ये स्काइप है, आपका कैलेंडर है, मेल वगैरह, जो भी आपका मन करता है आप ले सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा ही वाइडर हैं। ठीक है, स्क्रीन सेवर वगैरह के लिए भी सेटिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, स्क्रीन सेवर आपका किस तरीके का है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3D टेक्स्ट वगैरह, मैं कई लोगों को बताना चाहूंगा इस ऑप्शन का यूज ये होता है दोस्तों। जैसे आप स्क्रीन सेवर थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में बता दूं। स्क्रीन सेवर दोस्तों होता है जैसे आपका कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, और काम करते करते आप काफी देर थक गए, फिर आप गए कॉफी पीने, तो कॉफी पीने जब आप गए तो उस टाइम तक कंप्यूटर ऑन है, आप चाहते नहीं हो कि 5 मिनट के लिए मैं कॉफी पीने गया हूँ उसमें मेरा कंप्यूटर मतलब बंद करके जाऊँ फिर ऑन करूँ, इतना आप चाहते नहीं है। और आपका हो सकता है कोई फाइल वगैरह कॉपी हो तो आप शट डाउन करना भी नहीं चाहते हैं, अगर इस तरीके की कोई कंडीशन है तो कंप्यूटर आप चलता हुआ छोड़ के जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर में इंटरनली ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड की गई है कि कंप्यूटर पावर मिनिमम खाए, और उसके लिए कंप्यूटर करता क्या, कंप्यूटर पर एक आपके स्क्रीन सेवर लेके आता है जो कि कंप्यूटर की पावर को एकदम मिनिमम लेवल पर ले जाता है, आपके कंप्यूटर की पावर इलेक्ट्रिसिटी मिनिमम कंज्यूम होती है। तो उसके लिए दोस्तों ये ऑप्शन आता है। स्क्रीन सेवर आपके बहुत तरह के होते हैं, वेरियस अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे फिलहाल आप अगर देखना चाहें तो एक 3D टेक्स्ट करके आपका दिखाई पड़ रहा है, बाकी ये पूरी लिस्ट है, मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, बट फिलहाल आप समझने की कोशिश कीजिए 3D टेक्स्ट में आपका आता गया। 3D टेक्स्ट में दोस्तों अगर प्रीव्यू करते हैं, प्रीव्यू मतलब तो उसको एक झलक देखना, तो आप प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए, क्लिक मतलब लेफ्ट क्लिक, तो आपको इस तरीके से कुछ लिखाया हुआ दिखाई पड़ेगा, लिखा हुआ, ठीक है। बट आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं सेटिंग्स वगैरह में जाके, वो आपकी मर्जी है आप किस तरीके से क्या रखना चाहते हैं। फिलहाल ये ऑप्शन था 3D टेक्स्ट का जिसमें इस तरीके से कुछ लिखा हुआ आ रहा था, और ये तब तक आएगा दोस्तों जब तक आप अपने स्क्रीन पे कंप्यूटर के कीबोर्ड पे या माउस से कोई हरकत नहीं करते हैं। जब तक आप इस पे कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे मतलब आप कीबोर्ड या माउस से कुछ छेड़खानी नहीं करते हैं, आप उसको चलाते नहीं, उसको टच नहीं करते, तब तक ये आता रहेगा। और जैसे आपको मैंने जैसा माउस छुआ, और देखिए माउस छूते ही ये चीज़ ऑटोमेटिकली हट गई, यानी कंप्यूटर को इंटरनली पता है कि सामने वाला बंदा आ गया है, सामने वाला इंसान आ गया, पर्टिकुलर इंसान अब काम करना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को हटा देता है, स्टॉप कर देता है, ठीक है। और ये वो टाइमिंग दिखा रहा है जितनी देर बाद ये ऑटोमेटिकली आने लगा है, इट मीन्स कि 5 मिनट्स बाद ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने लगेगा, ठीक है दोस्तों, 5 मिनट्स बाद ही ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के स्क्रीन पे आने लगेगा अगर इस पर कोई भी हरकत मूवमेंट नहीं होती है। तो अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन यूं ही चल रही है, तो 5 मिनट बाद ये लॉकआउट हो जाएगी और इस तरीके से प्रीव्यू आने लग जाएगा आपका 3D टेक्स्ट का, जो भी आपने लगाया है, मतलब बेसिकली जो भी स्क्रीन सेवर आपने लगाया है, ये स्क्रीन सेवर है 3D टेक्स्ट, ठीक है। इसके अलावा आप 3D टेक्स्ट के अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आप ब्लैंक, यानी कुछ भी ना आए, ठीक है। इसके अलावा आप बबल्स लगा सकते हो, तो इस तरीके से बबल्स आएंगे। प्रीव्यू अगर आपको देखना किस तरीके से आएंगे तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक मतलब लेफ्ट क्लिक, बार बार बोल रहा हूँ, इस तरीके से बबल्स आएंगे, ये भी आपके स्क्रीन के पावर्स को बचाएंगे। प्लस इसका एक और यूज़ होता है, थोड़ा देखने में अच्छे लगते हैं दोस्तों, सबको अच्छा लगता है कि हमारे कंप्यूटर्स में जितनी अच्छी तरीके से लुक्स वाइज आए उतना अच्छा लगेगा। इसके अलावा जैसे आप इस पर फिर से माउस चलाएंगे हट जाएगा, ठीक है। फिर आपका मिसफी करके आता है जिसमें कुछ जाल से बन के आते हैं, आप प्रीव्यू में आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे प्रीव्यू आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप प्रीव्यू करने के बाद आप फोटोज़ में आते हो, तो यहाँ से आपके कुछ फोटोज़ आएंगे प्रीव्यू में, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में प्रीव्यू होगी। इसको आप एरो की से आपके स्क्रीन पे जो एरो की होते हैं ना, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, इससे भी आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर जाके रिबन्स का ऑप्शन आता है, इसमें कुछ रिबन्स आपके आएंगे प्रीव्यू, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है दोस्तों। अगर ये स्क्रीन सेवर ना आए तो आपके कंप्यूटर की पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी, और इसकी वजह से आपका जो लैपटॉप है उसकी बैटरी बहुत जल्दी खत्म होगी, या फिर आपके कंप्यूटर में बेसिकली अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके कंप्यूटर चला रहे हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम होगी। दोनों ही चीज़ों से ये बचाता है, प्लस लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है, यही स्क्रीन सेवर का बेसिक यूज़ है।
तो इससे बाहर आने के लिए जस्ट कुछ नहीं करना, आप कीबोर्ड या माउस पे क्लिक कीजिए और ये अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अगर आपको इसको लगाना है दोस्तों तो आप इस पे अप्लाई और ओके का ऑप्शन प्रेस कीजिए, या डायरेक्टली ओके का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, बट अगर आपको नहीं लगाना तो आप यहाँ से कैंसिल का बटन भी दबा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये टाइमिंग है, टाइमिंग को आप इस लेफ्ट सॉरी डाउन एरो की पे क्लिक करके आप इसको कम कर सकते हैं, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। या डायरेक्टली आप टाइप भी कर सकते हैं, जैसे मैं बैक स्पेस का बटन अपने स्क्रीन मतलब कीबोर्ड से दबा के यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 10 मिनट्स, यानी इट मीन्स 10 मिनट्स बाद ये स्क्रीन पे आने लग जाएगा जब स्क्रीन पे कोई काम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और टाइमिंग आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम टाइमिंग आपको 1 मिनट रखना ही पड़ेगा दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं 1 मिनट से कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, माउस से क्लिक कर रहा हूँ, बट कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस पर बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ रहा है, बट कम ये मिनिमम 1 मिनट तक तो रखेगा ही, 1 मिनट से पहले स्क्रीन सेवर नहीं आएगा, ठीक है। बाकी हर स्क्रीन सेवर से रिलेटेड आप देख पा रहे हैं, चाहे मैं 3D टेक्स्ट लोगों उससे रिलेटेड बगल में एक सेटिंग्स का टैब है दोस्तों, इसको टैब्स बोलते हैं, ये जो बने हुए हैं ना इस तरीके से चौकोर या रेक्टेंगुलर शेप में, इनको टैब्स बोलते हैं। टैब्स का मतलब था बटन, तो सेटिंग्स का बटन है। जो भी आप स्क्रीन सेवर लेते हैं, चाहे आप 3D टेक्स्ट लें या ब्लैंक लें या बबल्स लें या आप मिसिफी लें, जो भी आप स्क्रीन सेवर लेंगे उससे रिलेटेड यहां पर सेटिंग्स दे रखी है। जैसे 3D टेक्स्ट में फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है पहाड़ी रॉक स्टार, ठीक है। तो पहाड़ी रॉक स्टार जो आपने लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं चाहता हूं कि यहां पर लिखा है विंडोज 7, ठीक है, या विंडोज 10। तो विंडोज 10 हमने लिखा और ये ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपके स्क्रीन पे, ठीक है, आएगा। पहले मैं एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूं। ओके करते ही आप यहां पे प्रीव्यू में देख सकते हैं कि विंडोज 10 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब विंडोज 10 लिखने के बाद मैं चाहता हूँ ये इसमें थोड़े और चेंजेस करूँ, जैसे मैं इसका फॉन्ट बदल दूँ, फॉन्ट यानी इसकी राइटिंग हैंड राइटिंग बदल दूँ, लिखावट का जो तरीका होता है। तो फिलहाल मतलब यहाँ पर स्टिकर डिस्प्ले करके कुछ दिखा रहे हैं, और मैं चेंज करने के लिए फिर से बता रहा हूँ, चूज फ्रंट पर क्लिक किया मैंने और यहाँ से मेरे को बैक स्पेस का बटन दबा के मैंने यहाँ पर मान लीजिए मैंने टाइप किया कि मुझे कैमरिया हेडिंग्स चाहिए, इस तरीके से मैंने एरो की से भी सेलेक्ट कर लिया, या मैं माउस से भी डायरेक्टली इस पर या इस पर या जिस पर भी मन किया क्लिक किया। बोल्ड से थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं ऐसा मोटा हो गया ये, अगर मैं इसको इटैलिक करता हूँ थोड़ा तिरछा हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं, और अगर रेगुलर करता हूँ तो पतला भी रहेगा और सीधा भी रहेगा, लेकिन अगर मैं बोल्ड और इटैलिक दोनों करता हूँ तो तिरछा भी होगा और मोटा भी होगा, लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ बोल्ड चाहिए तो बोल्ड किया मैंने, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। घूमने का रोटेशन टाइप इसका वॉबल है दोस्तों, मैं चाहता हूँ वॉबल ना हो कि ये स्पिन में आए, ठीक है, तो स्पिन में आप ले सकते हैं। कलर यहाँ पर मैंने सॉलिड कलर चूज करके, कस्टम कलर चूज करके यहाँ पर फिलहाल ग्रीन दिया हुआ था, मैंने कहा ग्रीन में नहीं चाहिए मुझे, मान लीजिए मैंने इसको लाइट ग्रीन में लेना चाहता हूँ इस कलर में, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ से कर दिया ओके, तो ये कलर्स की सेटिंग्स हो गई मेरी, ठीक है। और इसके बाद जब सब कुछ सेटिंग्स आप कर लें, रेजोल्यूशन के लिए यहाँ पे दे रखा है किस तरीके से घूमे ये, ठीक है, अपनी एक्सिस पे रेजोल्यूशन मतलब अपनी एक्सिस पे किस तरीके से घूमे, साइज यहाँ पे कितना लार्ज या स्मॉल लेना है उसको ले सकते हैं, रोटेशन स्पीड ले सकते हैं कि फास्ट घूमे या स्लो घूमे वो आपकी मर्जी है, मैंने मीडियम स्पीड रखी है, और यहाँ से कर दीजिए ओके। इतना सब कुछ करते ही दोस्तों यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे, आप प्रीव्यू करके देखिए, यहाँ पर विंडोज 10 लिखा आ रहा है जहाँ पे पहाड़ी रॉकस्टार लिखा हुआ आ रहा था, आप देख पा रहे होंगे, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। फिर जब सारी सेटिंग्स आप कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद आप अप्लाई और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन सेवर आपका लग जाएगा, और जहां तक मैं बार बार आपको बता रहा हूँ 1 मिनट बाद ही आपके स्क्रीन पर आने लग जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीन सेवर के मैंने आपको बताया यूजेस और इसके फायदे और इसका बेसिकली किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ से स्क्रीन सेवर सेटिंग्स में जाके बताई। स्क्रीन सेवर टाइम आउट सेटिंग्स की रिलेटेड ऑप्शन है ये, तो टाइम आउट सेटिंग्स का मतलब है कि ऑन बैटरी पावर टर्न ऑफ आफ्टर, यानी जब बैटरी पावर पे होगा तो कितने टाइम के लिए, 4 घंटे के लिए स्क्रीन सेवर को ऑफ कर देगा, ठीक है। तो ये सब रिलेटेड कुछ ऑप्शंस और भी हैं, आप इनको भी देख लो। व्हेन प्लग्ड इन टर्न ऑफ आफ्टर, जब ये प्लग इन किया जाएगा तो उसके कितने घंटे बाद स्क्रीन सेवर ऑफ कर देगा, 4 आवर्स बाद, ठीक है। स्लिप ऑन बैटरी पावर पीसी गोज टू स्लिप आफ्टर, इस तरीके से 4 आवर्स। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर बताऊंगा तो ऑप्शन ही आप देख रहे हैं कितने सारे हैं, इस पर एक वीडियो में बनाना तो मुश्किल ही हो जाएगा, बट फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना भी कवर कर लें तो बहुत है, ठीक है। इसके बाद मैं राइट क्लिक करके मैंने आपको बताया था पर्सनलाइज, ठीक है। पर्सनलाइज में जाने के बाद मैंने आपको सेटिंग्स का ये पेज जो खुला था इसमें जाके मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड चेंज करना, कलर चेंज करना, बैकग्राउंड में हमने पिक्चर्स वगैरह चेंज की थी, स्लाइड्स वगैरह लगाया था, ब्राउज करके भी पिक्चर्स लगानी सीखी थी, फिर कलर्स में हम गए थे,
ठीक है दोस्तों। कलर्स में हमने बैकग्राउंड कलर इस तरीके से जो ये आ रहा है ग्रीन, जो ये सब फॉन्ट वगैरह आ रहे हैं ग्रीन कलर में, ये हमने चेंज करना सीखा था यहाँ से, जिस भी कलर पे क्लिक करेंगे। फिलहाल हमने ग्रीन पे क्लिक किया था इसलिए ग्रीन आ रहा था। फिर हम लॉक स्क्रीन पे जाएंगे, तो मैंने बताया था कि आपके जो स्टार्टिंग में विंडोज के स्टार्ट होते स्क्रीन आती है वो उसको हम लॉक स्क्रीन बोलते हैं, या फिर आपके कंप्यूटर में कभी भी आपका कंप्यूटर जब आप काम नहीं कर रहे तो लॉक हो जाता है, तो वो जो स्क्रीन पे पिक्चर आती है उसको हम लॉक स्क्रीन पिक्चर बोलते हैं। और वो किस तरीके से लगाई जाती है उसको भी मैंने बताया था, आप कोई भी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हमने ये क्लिक की थी तो ये आ रही थी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा नीचे लेके गया था और मैंने स्क्रीन सेवर से रिलेटेड सेटिंग्स बताई थी, अभी तक मैंने ये कराया था और मैंने इसकी समरी आपको बताई है। थीम्स में आते हैं जरा, ठीक है। थीम्स के बारे में समझते हैं। थीम्स आपकी है विंडोज की इमेजेस से रिलेटेड थीम्स लेनी है या फ्लावर्स की थीम लेनी है वो आप देख सकते हैं। थीम्स एक तरीके के पिक्चर्स और उससे रिलेटेड यानी एक जैसी पिक्चर्स को हम थीम्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये भी ले सकते हैं, ये छोटे छोटे ऑप्शन है। स्टार्ट विंडोज आपकी किस तरीके से है, उसमें क्या क्या सेटिंग्स करनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे बोल रहा है शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट, स्टार्ट होने पे ज़्यादा टाइल्स दिखाओ, तो ये आप ऑफ कर रखा है हमने। शो एप्स लिस्ट इन स्टार्ट मेन्यू, एप्स की लिस्ट दिखाएगा, हाँ दिखाएगा इसलिए हमने ऑन कर रखा है। शो रिसेंटली एडेड एप्स, वो भी दिखाएगा कि रिसेंटली कौन कौन सी एप्स एडेड की गई हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए उसको भी ऑन कर रखा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको ऑन रखेंगे आप वो ऑप्शन आपका दिखाएगा शो करेगा, और जिसको भी आप ऑफ कर देंगे जैसे हमने किया शो मोस्ट यूज्ड एप्स, जो सबसे ज़्यादा यूज्ड एप्स हैं उनको आप ऑफ कर दो तो वो एप्स यूज जो हो रखी है सबसे ज्यादा बार वो ऑफ होंगी। ओकेजनली शो सजेशन इन स्टार्ट, तो ठीक है ओकेजनली जब शो करेंगे सजेशन इन स्टार्ट का मतलब है कि जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे, ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे आपको एक सजेशन देगा, ये इस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो लॉक स्क्रीन आती है हमारी उस पर एक सजेशन देगा, तो ये सब रिलेटेड ऑप्शन है, आप पढ़ के कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए एक एक ऑप्शन दोस्तों बुरा मत मानिएगा, एक एक ऑप्शन कवर अप कराना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ 80% 90% जितना मैं कवर करा पाऊँ उतना अच्छा है, क्योंकि एक वीडियो में इतना कुछ कराना पॉसिबल नहीं है और ज़्यादा लंबा इसको खींचना एक टाइम वेस्ट ही होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो फिर भी मैंने मोस्ट ऑफ द सारे ऑप्शन बता दिए, एक जैसे सारे ऑप्शन बताए आपको, और मैंने ये बताने की कोशिश की कि इसी के तरीके से वो है, तो कृपया करके आप उतना खुद भी करने की कोशिश करें। फिर भी कोई क्वेश्चन है आपके क्वेरीज हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आगे कोशिश करूंगा उसको बताने की। फिर ये आपका टास्क बार से रिलेटेड ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों, ये भी उसी तरीके से लॉक द टास्क बार, लॉक द टास्क बार का मतलब इसको टास्क बार बोलते हैं दोस्तों, ये जो आप नीचे ऑप्शन देख पा रहे हैं ना इनको टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार आपको शो करता है कि आपकी क्या क्या टास्क खुली हुई है, जैसे यहाँ पे फिलहाल सेटिंग्स का पेज खुला हुआ है तो ये शो कर रहा है आपके ईमेल वगैरह को हमने पिन कर रखा है, फोल्डर वगैरह के मेन्यू मतलब को पिन कर रखा है हमने, इंटरनेट एक्सप्लोरर को पिन कर रखा है। पिन करने का मतलब इसको हमने यहाँ पे एक तरीके से बांध रखा है, रख रखा है, ताकि हम डायरेक्टली यहीं से इसको ओपन कर सकें। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर पर, तो डायरेक्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का पेज इस तरीके से खुल जाएगा, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है पिन करने का मतलब, उसको डायरेक्टली ओपन करने के लिए यहीं से एक्सेस कर लेने के लिए इसको यहाँ पे पिन कर देना, ताकि यहाँ पे सेव रहे। तो ये आपका टास्क बार कहलाता है। टास्क बार इसका नाम इसलिए है, नाम से ही पता चलो, टास्क बार यानी टास्क करने के लिए, जो टास्क हमारे चल रहे हैं, जो काम हमारे चल रहे हैं उनको दिखाने के लिए एक बार है, ये एक बेसिकली रिबन टाइप है, मेन्यू टाइप है, जिसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आपके क्या क्या काम इस टाइम हो रहे हैं या खुले हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये पूरा मेन्यू आपको समझ में आ गया होगा सेटिंग्स के अंदर, जो हमने पर्सनलाइज में किया था। यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो या किसी भी प्रोग्राम को बंद कर सकते हो, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक मतलब लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है, करने के बाद ये आपका बंद हो जाएगा और मैं आपको आगे के ऑप्शंस बता रहा हूँ। राइट क्लिक करेंगे फिर से अगेन, ये मैंने आपको पर्सनलाइज बताया था, राइट क्लिक करने के बाद क्लिक करके हम पर्सनलाइज में गए थे। पर्सनलाइज में जाने के बाद डिस्प्ले की सेटिंग्स आप देख सकते हैं, डिस्प्ले सेटिंग्स में आप जाएंगे अगर फिर से सेटिंग्स के अंदर, तो मैं आपको कुछ डिस्प्ले से रिलेटेड दिखाई पड़ने से रिलेटेड सेटिंग्स आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों चेंज ब्राइटनेस की सेटिंग्स है, चेंज ब्राइटनेस का मतलब है कि आप कंप्यूटर की ब्राइटनेस को ये देखिए कम कर दीजिए तो कंप्यूटर कितना आपका धुंधला सा दिखाई पड़ रहा है, अगर आप ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं तो आपका कंप्यूटर उस हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। नाइट लाइट ऑफ कर दीजिए या ऑन कर दीजिए वो आपकी मर्जी है, ठीक है, ये नाइट मोड होता है ना जैसे यूट्यूब वगैरह में, उस चीज़ के लिए नाइट लाइट हमने क्या कर रखा है, ऑफ कर रखा है। अगर हम नाइट लाइट ऑन कर देते हैं तो ये कुछ अलग तरीके से दिखाई पड़ेगा, वो आपकी मर्जी, आप किस तरीके से रखना चाहते हैं। फिर आपका स्केल एंड लेआउट का, आपने 100% लिया हुआ है, 100% लेने का मतलब है कि जिस चीज़ का साइज जितना होगा वो ओरिजिनल साइज वही दिखाएगा। रेजोल्यूशन हमने ये लिया हुआ है यानी इतने बाय इतने पिक्सल पे, 1366x768 पिक्सल्स पे ये काम करेगी। पिक्सल क्या होते हैं दोस्तों, पिक्सल एक इमेज को बनाए रखने वाला यानी बनाने वाला डॉट्स होते हैं,
और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको एमएस पेंट बताऊंगा, उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि 1366x768 रिकमेंडेड आपका रेजोल्यूशन है, बाकी और भी इससे लोअर भी हैं, आप वो भी ले सकते हो। मैंने सबसे हाई रेजोल्यूशन लिया है ताकि पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। इतना फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि जितनी अच्छी आपकी रेजोल्यूशन की क्वालिटी होगी, जितना हाई आपका रेजोल्यूशन होगा, आपकी पिक्चर क्वालिटी उतनी बढ़िया आएगी, उतनी अच्छी आएगी। जैसे HD जो हमारी होती है, HD पिक्चर्स या वीडियोस जो हम देखते हैं, उसमें जो रेजोल्यूशन होता है आपका, वो 1280x772 पिक्सल होती है। इसका मतलब कि आपके HD क्वालिटी यानी हाई डेफिनेशन क्वालिटी के लिए इतनी तो मिनिमम चाहिए ही, और इससे ऊपर है तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लैंडस्केप आपका ओरिएंटेशन मतलब पेज का लुक कैसा हो, लंबाई में तो पोर्ट्रेट होता है, ठीक है, इस तरीके से आपका आएगा जैसे आप देख पा रहे हैं। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको रिवर्ट कर दीजिए। देख रहे हैं प्रॉब्लम किस तरीके से आ रही है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इसको करने में, तो आप इसको रिवर्ट भी कर सकते हैं, कीप चेंजेस भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है आप कैसे करेंगे इसको। काफ़ी हमें प्रॉब्लम आ रही है, देख रहे हैं, रिवर्ट कीजिए, रिवर्ट करते हैं आपका ये ठीक हो जाएगा। तो ये है आपका लैंडस्केप में लेना है कि पोर्ट्रेट में लेना है, फ्लिप्ड ले सकते हो लैंडस्केप में और पोर्ट्रेट में फ्लिप्ड, यानी फ्लिप्ड का मतलब इसको लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर देगा, इंटरचेंज कर देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और इसके बाद नोटिफिकेशन और एक्शन से रिलेटेड आपकी कुछ ऑप्शन है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये आप क्लिक कर लीजिएगा। पावर एंड स्लिप से रिलेटेड है आपका, कितनी देर बाद पावर और स्लिप हो जाएगी आपके PC ऑन, स्लिप कितनी बाद ऑन, बैटरी पावर, PC गोज टू स्लिप आफ्टर, अगर बैटरी पावर पे हो तो 4 घंटे के बाद ये स्लिप हो जाएगा। व्हेन प्लग्ड इन, अगर ये लगाया जाएगा PC बैटरी पावर में, तो 4 घंटे बाद ये अगेन स्लिप हो जाएगा, जब इसको PC को मतलब आपके लैपटॉप को जब आप लगाओगे चार्जिंग में, तब उसके 4 घंटे बाद ये अगेन स्लिप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टोरेज आप देख सकते हो, स्टोरेज आपका कितना आपकी हार्ड डिस्क है और कितना उसमें से आपने यूज़ किया हुआ है, कितना अवेलेबल है, वो सब कुछ आपको दिखा रहा है कि आपने 37.3 GB यूज़ किया हुआ है और 894 GB आपका फ्री स्पेस है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ से। ज़्यादा बड़े ऑप्शन नहीं है, मेन मेन ऑप्शन मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, मल्टीटास्किंग आपकी, इसकी मल्टीटास्किंग से रिलेटेड सेटिंग्स वगैरह भी यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा ऑप्शंस है सेटिंग्स का, खोलते ही आपको सामने मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और इसके अलावा कुछ छोटे बहुत ऑप्शन मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे ये आपके आइकन्स हैं। ठीक है दोस्तों, आइकन्स का मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर में जो भी काम आपको करने हैं उससे रिलेटेड एक तरीके का मेन्यू है ये। ठीक है, जैसे ये जो इस कंप्यूटर का जो यूज़र है उसका नाम है सूरज, फॉर एग्जाम्पल, तो सूरज के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर बन गया है जिसमें आप अगर क्लिक करते हैं तो सूरज की सारी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स वगैरह, आपको डेस्कटॉप रिलेटेड सेटिंग्स, फेवरेट लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे, जो भी वीडियोस उसने डाउनलोड किए, पिक्चर्स जो भी है वो सब कुछ मिलेगा, इसमें आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। ठीक है, दिस PC यानी माई कंप्यूटर, एक तरीके से जो विंडो XP में या 7 में माई कंप्यूटर वगैरह का ऑप्शन आते हैं, तो वो ये है। ठीक है, फिलहाल एक ड्राइव है यहाँ पे ये दिखा रहा है, और जितने भी पर्सनल फोल्डर्स वगैरह हमारे हैं, यानी जो अभी सूरज वाले फोल्डर थे, वो हमने यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, खोल सकते हैं आप इसको यहाँ से। ये आपने फाइल को एक्सपेंड कर रखा है, एक्सप्लोर कर रखा है, डायरेक्टली किसी फाइल या फोल्डर पे जंप करने के लिए आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मुझे मान लीजिए माई डॉक्यूमेंट पे जाना है तो मैं माई डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूंगा, डाउनलोड्स पे जाना है तो आप डाउनलोड्स पे क्लिक कीजिए और वो चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली खुल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ या क्लोज का बटन है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से बंद कर सकते हैं। इसके अलावा आपका ये रिसाइकल बिन है जिसमें आप अपने जो भी चीज़ें डिलीटेड हैं वो रखते हैं। ठीक है, अगर आप उन चीज़ों को वापस रिवर्ट करना चाहते हैं, यानी वापस उसकी जगह पर वापस लाना चाहते हैं, तो आप वहाँ से वापस भी ला सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। मान लीजिए राइट क्लिक करके अगेन हम न्यू में जाते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग तो आप समझ गए, न्यू से आप देखिए क्या क्या होता है, फोल्डर बनता है एक नया फोल्डर। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, फोल्डर के अलावा आप यहाँ पे शॉर्टकट बना सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई इमेज बना सकते हैं, कोई कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्रेस जी फोल्डर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको फोल्डर का मतलब बताऊंगा दोस्तों। फोल्डर का मतलब होता है दोस्तों, बेसिकली जैसे आप अपने घर में किसी फाइल में किसी पेजेस को रखते हो, या किसी कपड़े को किसी अच्छी तरीके से सूटकेस वगैरह में रखते हो, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे फाइल्स को अरेंज करने के लिए, अच्छी तरीके से सजा के रखने के लिए, किसी भी तरह की फाइल को, वीडियोस को, फोटोज को, वॉलपेपर्स को, पिक्चर्स को, किसी को भी रखने के लिए फोल्डर का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये जो फोल्डर्स होते हैं ना, ये हमें बनाने इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हम चीज़ों को रीअरेंज करके अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से रखना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें सोनू निगम का एक गाना अपने कंप्यूटर में ढूंढना है और 1000 GB की हमारी बेसिकली जो है वो हार्ड डिस्क है। अब इसमें 1000 GB में सारे गाने भरे पड़े हैं और सोनू निगम का गाना मुझे ढूंढना है, कितना मुश्किल होगा।
आप इमेजिन करिए 1000 GB में अगर सिर्फ गाने के MP3 की मैं फाइल्स की बात करूं तो लाखों फाइल्स आ जाएंगी। उन लाखों फाइल्स में किसी एक फाइल को स्क्रॉल कर करके बार बार ढूंढना, यानी एक एक करके ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम उनको क्या करेंगे, सिस्टमेटिक अरेंज करेंगे, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं अल्फाबेटिकली नाम से लिखी होती हैं, एक एक अल्फाबेटिकली नाम से लिखी हुई एक एक रैक पे एक एक अलमारी में अच्छी तरीके से रखी होती हैं ताकि हम उसको आसानी से ढूंढ पाएँ। तो यहाँ पर हम ठीक वही काम करते हैं, हम यहाँ पर कोई फोल्डर बनाते हैं, उस फोल्डर का वो नाम रखते हैं, ठीक है, और उस नाम के आधार पर हम उस चीज़ को आसानी से ढूंढ पाते हैं। मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या करना है, आपको कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है, ठीक, इस तरीके से। राइट क्लिक करने के बाद आप पर्सनलाइज में जाएंगे, पर्सनलाइज में जाने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू में जाना है, न्यू में जाने के बाद आप फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ठीक है, फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक मतलब लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। फोल्डर बनते ही या तो आप डायरेक्टली बैकस्पेस का बटन दबा के इसमें कोई नाम दे दीजिए, जैसे मेरे को यहाँ पे सोनू निगम की फाइल सेव करनी है तो मैं यहाँ पे नाम डाल दूंगा सोनू निगम, ठीक है, इस तरीके से सोनू निगम। अगर सॉन्ग्स डाल रहे हैं सोनू निगम के तो सोनू निगम के सॉन्ग्स डाल दिए, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो नाम भी आप दे सकते हैं, नाम डालना आपके ऊपर है। तो मैंने सोनू निगम सॉन्ग्स के नाम से डाल के और यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस कर दिया या ओके कर दिया, तो ये सोनू निगम फोल्डर के नाम से फोल्डर बन गया। अगर मान लीजिए इस फोल्डर्स में मैंने गाने सेव किए हुए हैं और उसमें भी मुझे कोई पर्टिकुलर एक गाना चाहिए या वो गाना करीब 2005 में आया था, तो मैं इस फोल्डर पर डबल क्लिक करके लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करके या माउस से सेलेक्ट करके एंटर का बटन प्रेस करके डायरेक्टली मैं इसके अंदर जा सकता हूँ। मैं गया यहाँ पर, जाने के बाद मैंने राइट क्लिक किया, न्यू में गया मैं और मैंने यहाँ से अगेन एक फोल्डर बनाया और मैंने उसका नाम रखा 2005। इट मीन्स कि सोनू निगम के ही सॉन्ग्स हैं ये, बट जितने भी सॉन्ग्स 2005 में आए हैं उसका ये बेसिकली कलेक्शन है, ठीक है, 2005 के सारे सॉन्ग इसके अंदर होंगे। तो इससे वो बेसिकली होगा कि एक अरेंजमेंट होगी, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा, ढूंढना बड़ा आसान होगा दोस्तों, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए हम फोल्डर्स को बनाते हैं। अब ये तो थी बात फोल्डर को बनाने की, अगर हम बात करते हैं फोल्डर्स को डिलीट कैसे करते हैं, तो देखिए इस फोल्डर पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डिलीट के बटन पर क्लिक कीजिए। मैंने क्या बोला, फोल्डर पर क्लिक करना है, यानी इस फोल्डर को सेलेक्ट करना है, आप देख रहे हैं हाईलाइट हो रहा है, राइट क्लिक करना है माउस से, राइट क्लिक किया आपने, यहाँ से आपका डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फोल्डर हो जाएगा डिलीट। और डिलीट होकर दोस्तों ये कहाँ जाएगा, फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, डिलीट होकर आप देखेंगे यहाँ रिसाइकल बिन में। मैंने आपको रिसाइकल बिन का टॉपिक समझाने के लिए ही एक्चुअली ये फोल्डर लेके और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रिसाइकल बिन में आप डबल क्लिक कीजिएगा या वही सेम माउस से क्लिक करके एंटर मारिएगा तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि रिसाइकल बिन में आपके फोल्डर की सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है कि इसको लोकेशन क्या थी, ये कब बनाया गया था, कब डिलीट किया गया था, वगैरह वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो वापस आप इस पर क्लिक करके और राइट क्लिक मतलब माउस से एक बार क्लिक कीजिए लेफ्ट बटन और फिर वापस राइट क्लिक करेंगे तो रीस्टोर का ऑप्शन भी आएगा, कट का भी ऑप्शन आएगा, इसको यहाँ से डिलीट करने का भी ऑप्शन आएगा और प्रॉपर्टीज में जाके चेक करके इसका फाइल साइज वगैरह चेक करने का ऑप्शन भी आएगा। और यही सारे ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ से MPT द रिसाइकल बिन, यानी रिसाइकल बिन को अगर एक साथ खाली करना है तो उसके लिए यहाँ से भी ऑप्शन आएंगे, रिस्टोर करना है सेलेक्टेड आइटम्स को जिनको आपने सेलेक्ट कर रखा है तो वो ऑप्शन भी आएंगे, कि जितने जैसे आपने 2-4 फोल्डर एक साथ सेलेक्ट कर रखे हैं और आपको सभी फोल्डर्स को रिस्टोर करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ से ऑप्शन ले सकते हैं, समझ पा रहे हैं। यानी सारे 3-4 फोल्डर आपने जो भी सेलेक्ट किए हुए हैं उनको एक साथ ही रिस्टोर करना है, वापस उनकी जगह पर लेके जाना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, रिस्टोर ऑल आइटम, सारे आइटम्स को जितने भी यहाँ पे अवेलेबल है रिसाइकल बिन सबको आपको रिस्टोर करना है तो इस पर क्लिक करेंगे आप। अगर किसी सेलेक्टेड चीज़ों को करना है तो इस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है, रिसाइकल बिन को बिल्कुल खाली करना है तो इस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और रिसाइकल बिन की प्रॉपर्टीज चेकआउट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, जैसे आपने क्लिक किया तो ये दिखा रहा है कि रिसाइकल बिन में टोटल 930 GB का स्पेस है, ठीक है, कस्टम साइज जो है मैक्सिमम साइज वो इतना दे रखा है रिसाइकल बिन को, और इसके अलावा ये सब ऑप्शन भी है, डोंट मूव फाइल टू रिसाइकल बिन, रिमूव फाइल्स इमीडिएटली व्हेन डिलीटेड, ठीक है, फाइल्स को जैसे डिलीट किया जाएगा अगर ये आप सेलेक्ट करोगे तो रिसाइकल बिन में फोल्डर में रिसाइकल बिन के जो आइकन है उसमें फाइल्स आएंगी नहीं डायरेक्टली, वो इससे बाहर सीधे डिलीट हो जाएंगी, और वो कैसे होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर आप इस रेडियो बटन को सेलेक्ट करते हैं, जी हाँ इसको रेडियो बटन बोलते हैं, ये आपका रेडियो बटन कहलाते हैं, एक टाइम पे एक ही सेलेक्ट होगा, इसका मतलब है कि आपका रिसाइकल बिन के लिए इतना स्पेस अवेलेबल है और इसी में रिसाइकल बिन में ही चीज़ें डिलीट होने के बाद आएंगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं दोस्तों कि रिसाइकल बिन में चीज़ें ना आए सीधे वो इससे बाहर डिलीट हो जाएं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, तो आप जब भी फाइल को डिलीट करेंगे वो रिसाइकल बिन में यहाँ पे आएगी नहीं, वो सीधे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका सीधे रिसाइकल बिन से बाहर यानी कंप्यूटर से बाहर ही डिलीट होकर चली जाएगी। इसके बाद आप अप्लाई करके ओके करके उस सेटिंग्स को रख सकते हैं, फिलहाल मैं इसको नहीं रखूंगा, मैं कस्टम सेटिंग ही रखूंगा,
क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारी कोई इंपॉर्टेंट फाइल गलती से हमसे डिलीट हो जाती है, तो एटलीस्ट वो हम रिसाइकल बिन से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये ऑप्शन रखूंगा ताकि मैं उस फाइल्स को रिकवर कर सकूं, ठीक है। क्योंकि इस ऑप्शन को करने के बाद हम उन चीज़ों को रिकवर नहीं कर सकते, यानी वो सीधे कंप्यूटर से बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ, और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम रिसाइकल बिन से चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं, यानी अपनी फाइल्स को वापस दोबारा ले सकते हैं। तो मैंने इस फाइल को रिकवर करना है, तो या तो रिस्टोर ऑल आइटम्स कर दो तो भी आ जाएगा, लेकिन ऑल आइटम्स आप तब कीजिएगा जब आपको सारी फाइल्स रिकवर करनी हो। फिलहाल मुझे सिर्फ इस फोल्डर को करना है, तो मैं उसका तरीका आपको बता रहा हूँ। स्पेशलाइजेशन राइट क्लिक करेंगे इसको, इसके ऊपर इसी फाइल के ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रिस्टोर कर देंगे। तो रिस्टोर करने के बाद आप देखोगे यहाँ से गायब हो गई है, और वो फोल्डर वो फाइल आपकी यहाँ पे आके वापस जहाँ पे हमने किया था इसे यहाँ पे दिखाई पड़ेगी, ठीक है। यानी ये फाइल है कहाँ, सोनू निगम सॉन्ग्स वाले फोल्डर के अंदर है। तो आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम किसी फाइल को रिकवर करते हैं। अगर मैं इस फाइल को डायरेक्टली डिलीट करना चाहूँ, यानी मैं इस फाइल को रिसाइकल बिन में ढूंढना नहीं चाहता, यानी भेजना नहीं चाहता, तो मैं डायरेक्टली क्या चाहता हूँ कि ये सीधे कंप्यूटर से बाहर हो जाए। तो उसके लिए या तो मैंने आपको बताया था एक वो ऑप्शन जो हमने रिसाइकल बिन में देखा था, उस ऑप्शन को ले सकते थे। वहां पर आप कर सकते हैं रिसाइकल बिन की प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन, ठीक है, डायरेक्टली डिलीट करने के लिए। या फिर मैं यहीं से एक आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि राइट क्लिक करके आप डिलीट मत कीजिए, यहाँ जो डिलीट का बटन है इस बटन पे प्रेस मत कीजिए, आप सीधे सेलेक्ट कीजिए फोल्डर को, और शिफ्ट के साथ आपके कंप्यूटर पे स्क्रीन पे शिफ्ट का बटन दिख रहा होगा, शिफ्ट के साथ डायरेक्टली डिलीट का बटन प्रेस कीजिए, यानी शिफ्ट को दबाए रखिए और उसके साथ डिलीट का बटन प्रेस करिए इस तरीके से, और डिलीट करते ही यस करते ही ये सीधे फाइल आपके कंप्यूटर से उड़ जाएगी। यानी अब आप देखेंगे तो आप इसको मिनिमाइज करके देखिए, रिसाइकल बिन में भी वो फाइल नहीं मिलेगी आपको, ठीक है दोस्तों। तो समझ पा रहे होंगे कि रिसाइकल बिन से डायरेक्टली किसी चीज़ को रिसाइकल बिन में भेजे बिना किस तरीके से डिलीट करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद आप इसको क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज कर दीजिए, और अब हम चलते हैं किसी फोल्डर पे आगे की कुछ चीज़ें समझने के लिए। देखिए उसमें वो फाइल नहीं है, अगर फिर भी आपको इस फोल्डर को डिलीट करना है तो मैंने आपको बताया यहाँ से अगर आप डिलीट करते हैं तो ये कहाँ जाएगा, रिसाइकल बिन में, लेकिन आपको डायरेक्टली डिलीट करना है तो सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ अपने कंप्यूटर से डिलीट का बटन दबाएंगे, और डिलीट का बटन दबाने के बाद आप देख रहे हैं कि रेड कलर का क्रॉस आ रहा है, ये इस चीज़ की पहचान है कि ये परमानेंटली डिलीट होगा। लिखा भी है आर यू श्योर यू वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, तो जी परमानेंटली डिलीट का मतलब है कि आपके कंप्यूटर से सीधे आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, यानी सीधे कंप्यूटर से बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो हमें नहीं करना है, इसलिए मैं यस नहीं करूंगा, नो कर रहा हूँ फिलहाल। अब अगला ऑप्शन देखिए, फोल्डर से रिलेटेड राइट क्लिक करेंगे, यहाँ तो डिलीट का ऑप्शन था, यहाँ रीनेम का भी ऑप्शन है दोस्तों। रीनेम का मतलब है कि आप इस कंप्यूटर को कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं, मैं इसको मान लीजिए सोनू निगम ही डालना चाहता हूँ, सोनू निगम सॉन्ग्स नहीं डालना चाहता, तो सोनू निगम और कंप्यूटर के कीबोर्ड से एंटर, तो ये आपका वो नाम रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको कुछ ज़बरदस्त चीज़ें बताने वाला हूँ, बट इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, बस कुछ ही देर में वीडियो खत्म होने वाली है। उससे पहले एक दो ऑप्शंस और सीख लेते हैं फोल्डर्स के बारे में, देन फिर हम रैप अप करेंगे। तो दोस्तों ये राइट क्लिक करेंगे इस फोल्डर के ऊपर, यहाँ पे प्रॉपर्टी का भी ऑप्शन आ रहा है। प्रॉपर्टीज मतलब आप फोल्डर की सारी प्रॉपर्टी दे सकते हैं कि ये किस जगह पे जाके सेव हो रहा है, कितने बाइट स्पेस ले सकता है आपकी इस फोल्डर का साइज कितना है, और हार्ड डिस्क पे कितना स्पेस ले रहा है, इसमें कितने फाइल या फोल्डर्स हैं, कब ये बना था, क्या ये रीड ओनली फाइल है। रीड ओनली फाइल दोस्तों वो होती है जिसको केवल आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, और अगर आप इनको हाइड करना चाहते हो, हिडन करना चाहते हो, तो आप इस हिडन के बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से कर दीजिए आप अप्लाई और ओके। अप्लाई और ओके करने के बाद आपने देखा होगा ये फोल्डर आपका हिडन हो गया, छुप गया है। तो अगर आप इसको वापस लाना चाहते हैं अपने फाइल या फोल्डर को, क्योंकि ये फाइल तो छुप गई है, आपकी दिखाई तो पड़ नहीं रही है, तो अगर आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो वापस लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा माई कंप्यूटर में, ठीक है दोस्तों। माई कंप्यूटर में जाने के बाद आपको यहाँ से व्यू में के फोल्डर में जाना पड़ेगा, मतलब व्यू के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, व्यू के मेन्यू में जाना पड़ेगा, और यहाँ से हिडन आइटम्स पे आपको टिक लगाना पड़ेगा। हिडन आइटम्स पे जब आप टिक लगाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे बेसिकली आपका सोनू निगम वाला ये जो हिडन फोल्डर है ये थोड़ा सा धुंधला सा आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो हिडन फोल्डर जितने भी आपके कंप्यूटर के वो सारे शो ऑफ करने लगेंगे। शो करने के बाद आपको करना क्या है, इसी फोल्डर को दोबारा सेलेक्ट करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, अगेन आपको प्रॉपर्टीज में जाना है, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये जो हिडन का ऑप्शन था ना इस पे, उस पे से आप टिक हटा दीजिए और देन अप्लाई और ओके कर दीजिए, ये आपका फोल्डर रिकवर हो जाएगा। आप देख रहे हैं अब आप ये धुंधला नहीं नजर आ रहा, पहले जैसे ये धुंधला नजर आ रहा था, अब वो ये धुंधला नजर नहीं आ रहा, ये पूरा क्लियर साफ नजर आ रहा है, जो इस चीज़ की पहचान है कि ये हिडन नहीं है। और भी अगर आपको चेक करना है कि ये हिडन है, छुपा हुआ है कि नहीं, तो इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और चेकआउट कीजिए कि इस पर हिडन पे टिक नहीं लगा होना चाहिए, और नहीं लगा है तो इट मीन्स कि ये हिडन नहीं है, ठीक है।
और वापस जाके आप अपने माई कंप्यूटर में वो जो पुरानी सेटिंग्स थी उसको आप ठीक कर लीजिए, यानी ये जो हिडन पे टिक लगा हुआ था इस टिक को हटा दीजिए चेकबॉक्स पे। इनको चेक बॉक्सेस बोलते हैं दोस्तों, बार बार बता रहा हूँ कि चेक बॉक्सेस का मतलब है कि आप मल्टीपल चेक बॉक्सेस को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और सारे ऑप्शन आपके वो काम करेंगे, लेकिन अगर आप इनमें से टिक हटा देते हो तो ऑप्शन काम नहीं करेंगे। और ये चेक बॉक्सेस की प्रॉपर्टी होती है कि एक साथ में आप बहुत सारे चेक बॉक्सेस को सेलेक्ट कर सकते हो, जबकि इससे पहले मैंने जो रेडियो बटन बताया था दोस्तों, जो कि मैंने आपको रिसाइकल बिन में यहाँ पे भी बताया था, रिसाइकल बिन की प्रॉपर्टीज के अंदर फिर से बता रहा हूँ, इस पर अगर आप क्लिक करके इनको इनको रेडियो बटन बोलते हैं, एक टाइम पे आप एक ही को सेलेक्ट कर सकते हो, जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे वही ऑप्शन ही आपका काम करेगा, यूज करेगा। और मैंने फिर से बता देता हूँ, इस ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो चीजें आपके रिसाइकल बिन में नहीं आएंगी, डायरेक्टली आपके कंप्यूटर से बाहर हो जाएंगे डिलीट होने के बाद। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि रिसाइकल बिन में चीजें डिलीट होने के बाद आए, इसलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये रिसाइकल बिन साइज दिखा रहा है कि कितने आइटम तक ये, कितने एमबी तक, कितना स्पेस ये आपका रिसाइकल बिन कंप्यूटर में ले रहा है, कितने एमबी तक की फाइल को अपने अंदर सेव करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, फिलहाल मैं ओके करके आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों फोल्डर से रिलेटेड ऑप्शन आपको सारे समझ में आ गए होंगे, अगर फिर से बता दे रहा लास्ट एंड लिस्ट कि ये आपका जो फोल्डर है अगर आपको इसको डायरेक्टली डिलीट करना है, रिसाइकल बिन में नहीं भेजना है, तो आप अपने कंप्यूटर के शिफ्ट के बटन के साथ डिलीट का बटन दबाइए और यहाँ पर ऐसा इस तरीके का कुछ क्रॉस का साइन आएगा जो रेड कलर का साइन ये शो करेगा कि ये परमानेंटली डिलीट हो रहा है, जैसे आप यस करेंगे ये आपके कंप्यूटर सीधे बाहर, देखिए यहाँ पर ये फोल्डर नहीं है। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों हम थोड़ा सा आगे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज मैंने आपको बता दिया, डिस्प्ले सेटिंग्स मैंने आपको बता दिया कि स्क्रीन के रेजोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, न्यू में हमने फोल्डर्स वगैरह बनाई थी, कुछ फाइल्स बनाई थी, किसी भी तरीके की फाइल बना सकते हो, वेदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मतलब है या रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मतलब है जिसमें आप कुछ लिखना चाहें, जैसे वर्ड पैड वगैरह के, ये कोर्सेस हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर भी हम करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इनमें लिखने से रिलेटेड काम होता है, जैसे मैं इसका नाम रखना चाहूँ तो 1.txt मैं इसका नाम रख सकता हूँ, और रखने के बाद इसमें आप एंटर मारिए माउस से क्लिक करके या कीबोर्ड से क्लिक करके एंटर का बटन दबाइए, ये आपका खुल जाएगा। ठीक है, खुलने के बाद आप इस पर, अदरवाइज अगर आप इस तरीके से नहीं खोलना चाहते हो तो राइट क्लिक करके भी आप इस पर ओपन का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी खोल सकते हैं। फिलहाल ये प्रोसेसिंग कर रहा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो सर्कुलर कुछ घूम रहा है, ये खुलेगा और खुलने के बाद देन हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बना सकते हो। थोड़ा सा अगर आप होल्ड करते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि ये किस तरीके से खुलता है, क्या काम होता है, अगर नहीं तो फिर कोई इशू नहीं है, मैं आपको इसको बाद में दिखाऊंगा, फिलहाल जब मैं इसको कराऊंगा तो मैं दिखा दूंगा, बस इतना समझ जाइए कि किसी भी तरह की फाइल को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, न्यू में जाते हैं और यहाँ से आपका जो भी फोल्डर या फाइल का रिलेटेड ऑप्शन है उस तरह की फाइल या उस तरह का फोल्डर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये आपका फाइल बेसिकली एमएस ऑफिस का वर्ड डॉक्यूमेंट खुल रहा है। ठीक है, दिखा रहा है, प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो है तो इसलिए आप तब तक हम या तो नेक्स्ट ऑप्शन कर लेते हैं या तो फिर इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये देखिए आप, ये खुल गया है और खुलने के बाद मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक्सेप्ट एंड स्टार्ट का ऑप्शन चूज़ कर लें ताकि इसमें लिखने के लिए आपको अलाउ कर दें, हालांकि ये एक्टिवेटेड नहीं है इसलिए कुछ इस तरीके से ये शो कर रहे हैं, कुछ ऑप्शंस को हाईलाइट नहीं कर रहा, बट आप यहाँ पे लिखने का काम तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, तो आप इस तरीके से कुछ लिखिए। ठीक है, अनलाइसेंस प्रोडक्ट है, सॉरी लिखने नहीं दे रहा है, बट कोई इशू नहीं है, ट्राई करते हैं। देखिए इस तरीके से कुछ, सॉरी अलाउ नहीं कर रहा है, तो कोई इशू नहीं है। तो आप राइट क्लिक करके न्यू में जाके कोई भी ऑप्शन लेकर किसी भी तरह की फाइल या फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपके कुछ ऑप्शन कट कॉपी पेस्ट के होते हैं, मैं वो भी बताऊंगा आपको इसके बाद, वो मैं आपको थोड़ा सा रुक के बताता हूँ, फिलहाल आप इसको समझ लीजिए। रिफ्रेश से आप अपने कंप्यूटर को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, डेस्कटॉप की स्क्रीन को रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश पे क्लिक कीजिए एक बार सिंगल टाइम माउस से, क्लिक करने का मतलब लेफ्ट क्लिक, और देन आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन से F5 का बटन प्रेस कीजिए, तो आप देख रहे हैं कंप्यूटर पे की चीज़ें ब्लिंक कर रही होंगी, इसका मतलब ये रिफ्रेश हो रहा है, यानी रिफ्रेश होने का मतलब ये होता है जैसे हम अपने आप को रिफ्रेशमेंट देते हैं, थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और इससे हमें बेसिकली चीज़ें और अच्छी तरीके से हम एंजॉय कर पाते हैं। ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर भी चलते चलते कई बार बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है या बहुत ज़्यादा हैंग होने लग जाता है, तो हमें उस टाइम पे उसको रिफ्रेश करना चाहिए। मैं तो इनफैक्ट ये बोलता हूँ कि कंप्यूटर जब भी आप ऑन करते हैं तब भी आपको उसको एक बार रिफ्रेश कर ही लेना चाहिए,
एक बार राइट क्लिक कीजिए आपके कंप्यूटर पे, कुछ इस तरीके से राइट क्लिक कीजिए और रिफ्रेश के बटन पे क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करके फ्री स्पेस पे, फिर रिफ्रेश के बटन पे क्लिक कर दीजिए माउस के लेफ्ट बटन से, और देन फिर F5 का बटन आप 3-4 बार प्रेस कीजिए ताकि कंप्यूटर आपका रिफ्रेश हो जाए। तो इससे कंप्यूटर को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है, हैंगअप कम होता है। शॉर्ट बाई का मतलब है कि आप किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं फाइल एंड फोल्डर्स को, अपने आइकन्स को, इनको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जैसे नेम से अरेंज कर लीजिए, ठीक है आप, या फिर नेम की जगह आप इनको शॉर्ट आउट कर सकते हो साइज से, आइटम टाइप से, या डेटा डेट मॉडिफाइड वगैरह से, जिससे भी आपका मन करे। व्यू यहाँ नहीं होता है दिखाई पड़ना। फिलहाल मैंने मीडियम आइकन्स ले रखे हैं, अगर आप लार्ज आइकन्स देते हैं तो आप देख रहे हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपके आइकन्स काफ़ी बड़े बड़े दिखाई पड़ेंगे। अगर आप इसी में मीडियम लेते हैं तो काफ़ी छोटे आइकन्स दिखाई पड़ेंगे, मतलब मीडियम साइज के दिखाई पड़ेंगे। स्मॉल आइकन्स काफ़ी छोटे दिखाई पड़ेंगे, आप देख पा रहे होंगे। फिलहाल मुझे मीडियम आइकन की साइज ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसलिए मीडियम्स पे रखता हूँ। इसके बाद आपका ये ऑप्शन है ऑटो अरेंज का। ऑटो अरेंज का मतलब होता है दोस्तों कि आप इसको ऑटोमेटिकली, जैसे आप आइकन्स कंप्यूटर के स्क्रीन पे आएंगे, वो कोई नया सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे उसका अगर आइकन्स आएगा तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे अपनी जगह ले लेगा, अरेंज कर लेगा, ठीक है। और इसके अलावा शो डेस्कटॉप आइकन्स पे टिक लगा हुआ तो डेस्कटॉप के आइकन आपके शो हो रहे हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कोई बच्चा इस पर क्लिक करके किसी गलत आइकन्स को सेलेक्ट करके, या कोई ऐसे ऑप्शन को माई कंप्यूटर वगैरह को ना खोल पाए, आप उसको हिडन करना चाहते हो, तो शो डेस्कटॉप आइकन पे जो टिक लगा हुआ है इस पे दोबारा क्लिक करने से वो टिक हट जाएगा और ये आइकन्स गायब हो जाएंगे। जैसा कि मैं क्लिक करने वाला हूँ, ये देखिए आपके आइकन सारे गायब हो गए। वापस लाना है तो सेम वही स्टेप है, राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे, शो डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करेंगे और ये आपके डेस्कटॉप आइकन अगेन वापस आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार हल्की सी समरी दे देता हूँ, उसके बाद कुछ बचे खुचे ऑप्शन हैं वो कराकर इस वीडियो को रैप अप करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज में जाके मैंने आपको डेस्कटॉप के वॉलपेपर वगैरह या बैकग्राउंड चेंज करना बताया था, ठीक है। उस वॉलपेपर बैकग्राउंड में मैंने आपको सेटिंग्स का पेज खुला था, उसके अंदर जाके मैंने आपको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए वॉलपेपर वगैरह लगाना, पिक्चर्स वगैरह लगाना, उसको फिट करना, कलर्स का ये बैकग्राउंड चेंज करना बताया था कुछ तरीके से। इस तरीके से आप देख रहे हैं हमने ग्रीन लिया है, कुछ और भी ले सकते हो बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर दोस्तों इस पिक्चर के यानी वॉलपेपर के पीछे होता है, ठीक है, जो कि अगर आप इसमें कुछ सेंटर वगैरह के फॉर्मेट में पिक्चर लेते हैं तो आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको इसमें लाइट कलर भी लेने के लिए बोला था डिफॉल्ट ऐप मोड वगैरह में। फिर लॉक स्क्रीन की बात करते हैं। लॉक स्क्रीन मैंने आपको बताया था आपके कंप्यूटर के स्क्रीन में जो भी चीज़ें आती हैं वो, मतलब जब आपके कंप्यूटर काफ़ी देर तक काम नहीं होता तो कंप्यूटर अपनी स्क्रीन लॉक कर लेती है, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं ताकि आपके कंप्यूटर पर कोई अनऑथोराइज पर्सन एक्सेस ना कर पाए। फिर आपका ये थीम्स वगैरह का ऑप्शन मैंने आपको बताया था, ठीक है। थीम्स में आपने देखा था कि एक जैसे ऑप्शंस होते हैं, जैसे फ्लावर्स लेने हैं तो 6-7 इमेजेस हैं, विंडोज से रिलेटेड 5-6 इमेजेस हैं, वो एक जैसी इमेजेस को थीम्स बोलते हैं, बेसिकली एक टाइप के, एक मोड के, एक मूड के इमेजेस को थीम्स बोलते हैं। फिर यहाँ पे स्टार्टअप में आपका टास्क बार वगैरह से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस बताए थे, और टास्क बार पे बताया था कि इसको टास्क बार बोलते हैं जिस पे आपके विंडोज़ के टास्क खुली होती हैं, जो भी काम हो रहा था। ये आपका क्लोज का बटन, ये आपका मैक्सिमाइज और रिस्टोर का बटन, और ये आपका मिनिमाइज का बटन होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आप एक बार ही कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिटेल से बता दूंगा मैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन को, क्योंकि वहाँ पर MS पेंट का टॉपिक आएगा तो मुझे डिटेल में एक ऑप्शन बताना ही है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको हल्के में मैंने आपको बताया, बट फिर भी आप कोशिश करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई तो इसको थोड़ा जल्दी रैप अप करना है। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने आपको कुछ रिसाइकल बिन से रिलेटेड, माई कंप्यूटर खोलने से, और ये माई जो एडमिनिस्ट्रेटर है यानी जो इस कंप्यूटर का मेन यूज़र है, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह से रिलेटेड ऑप्शंस बताए थे कि ये माई डॉक्यूमेंट होता है और इसमें डायरेक्टली वो अपने फाइल एंड फोल्डर्स को सेव करता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको राइट क्लिक करके और भी ऑप्शंस बताए थे, ये सारे डिस्प्ले सेटिंग्स के, न्यू में जाके कहीं फाइल फोल्डर बनाना और फाइल फोल्डर से रिलेटेड और भी स्टेप कि किस तरीके से फोल्डर वगैरह क्रिएट करते हैं। जैसे ये क्रिएट हो गया, फिर इसको नाम देना मैंने बताया था आपको कि कोई भी नाम आप दे सकते हो इसको, जैसे फॉर एग्जांपल हम नाम देते हैं सचलक्ष के नाम से, ठीक है। तो सचलक्ष हमने नाम दिया, सचलक्ष के नाम से देने के बाद हमने इस तरीके से एंटर का बटन दबाया तो ये नाम आ जाता है। इस फोल्डर पर राइट क्लिक करके मैंने आपको बताया था कि हम इसको रीनेम कर सकते हैं, दोबारा को दूसरा नाम दे सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसका एक क्रिएट कर सकते हैं शॉर्टकट कहीं पे भी, कट कॉपी कर सकते हैं। कट कॉपी मैंने अभी तक नहीं बताया था तो एक बार दोबारा देख लीजिए। कॉपी करते वक्त क्या होता है, आप इसको कॉपी पर क्लिक कर दीजिए, कॉपी पर क्लिक करने के बाद आप कहीं बाहर क्लिक कीजिए, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, राइट क्लिक कीजिए इस पर, कॉपी कर लीजिए, कॉपी पर क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक, और फिर बाहर क्लिक कीजिए, फिर राइट क्लिक करके अगेन यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आता है, पेस्ट कर लीजिए, इसका एक डुप्लीकेट फाइल यानी कॉपी बन जाएगी, ठीक है। तो दो फोल्डर एक जगह से बन जाएंगे, बट याद रखिएगा एक ही जगह पे, सेम लोकेशन पे आप एक नाम से दो फोल्डर नहीं बना सकते, एक नाम से दो फाइलें नहीं बना सकते। अगर आपको एक नाम से दो फाइलें बनानी तो आपको कुछ ना कुछ अलग नाम देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे सचलक्ष की कॉपी नाम आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद कट का आप अंतर देखिए, कट और कॉपी में अंतर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे की वीडियोज़ में, आगे के सॉफ्टवेयर्स में मैं और क्लियर करूंगा पेंट वगैरह में, बट फिलहाल आप यहाँ पर फोल्डर के ऊपर देखकर समझ सकते हैं।
इसको अगेन राइट मतलब मैं क्लिक करूंगा, राइट क्लिक कीजिए इस पे और कट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, इस पे आप क्लिक कीजिए या फिर आप इस पे राइट क्लिक कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट क्लिक करने के बाद इस पे आप कट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, इस तरीके से मेन्यू खुलेगा कट का, कट कीजिए। कट करने के बाद ये थोड़ा धुंधला हो जाएगा, आप जैसा आप देख पा रहे हैं इसके मुकाबले थोड़ा धुंधला है। धुंधला होने पर राइट क्लिक करके अगेन पेस्ट कीजिए तो वो चीज़ वहां से उठ के यहाँ पे आ जाएगी, यानी कट में वो चीज़ यहाँ से यहाँ मूव कर जाती है, कॉपी में वो चीज़ वहां भी रहती है और इसकी डुप्लीकेट कॉपी वहां भी बन जाती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों अंतर है, यानी कट करने पे कोई भी चीज़ मूव कर जाती है एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे आ जाती है, और कॉपी करने पे वो चीज़ वहां भी रहती है और यहाँ भी आती है, बशर्ते कि आप दोनों ही चीज़ों में, दोनों ही केसेस में पेस्ट जरूर करोगे। आप ये बात ध्यान रखना कि कट करो या कॉपी करो, पेस्ट करना ही पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। ये बताने के बाद मैंने आपको कट कॉपी बताने के बाद न्यू में मतलब फोल्डर बताने के बाद आपने को फोल्डर का टॉपिक बताया था मैंने, फिर मैंने बताया था कोई भी फाइल या फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, फाइल और फोल्डर बनाने के बाद मैंने कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन बताया था, फिर उसको डिलीट करके मैंने आपको रिसाइकल बीन में ले जाना बताया था, रिसाइकल बीन में जाके मैंने आपको ये सारी प्रॉपर्टीज बताई थी रिसाइकल बीन में कि आप एमपीटी कर सकते हो रिसाइकल बीन को, इसकी प्रॉपर्टीज बताई थी, रिस्टोर करना बताया था सारे आइटम्स को एक साथ, रिस्टोर करना मतलब वापस उनको रिकवर करना यहाँ से डिलीट होने के बाद, और इसके बाद फिर रिस्टोर करना सेलेक्टेड आइटम्स को, यानी पर्टिकुलर कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करके और फिर उनको रिस्टोर करना भी बताया था। ठीक है, इतना बताने के बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी फोल्डर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके आप उसको किस तरीके से हिडन कर सकते हो, और हिडन करने के बाद आप उसको अप्लाई ओके करके छुपा सकते हो इस तरीके से कुछ, जैसा ये धुंधला दिख रहा है ये गायब हो गया। और फिर मैंने आपको लाने के लिए बताया था कि माई कंप्यूटर में जाके, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है व्यू में हिडन का, हिडन पे आप टिक लगाएंगे तो सारी जितने भी हिडन फाइलें वो शो होने लग जाएंगी धुंधले कलर में, उस पर राइट क्लिक कीजिएगा उस फाइल पे, पर्सनलाइज में जाएगा, और पर्सनलाइज में जाने के बाद ठीक है दोस्तों आप उस फोल्डर पे राइट क्लिक कीजिएगा, पर्सनलाइज में जाइएगा, प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हिडन पे से टिक हटाइएगा और अप्लाई ओके करते वो फोल्डर आप वापस आपका रिकवर हो जाएगा। ठीक है, और फिर माई कंप्यूटर में जाके वापस उसको आपको ठीक करना हो तो व्यू में जाके हिडन पे से टिक हटा देना, वो नॉर्मल हो जाएगा, यानी अब से आप जो फाइल हिडन करेंगे वो सारी चीज़ें आपकी छुप जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि माई कंप्यूटर में जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं व्यू वगैरह जो भी हैं इनको चेक बॉक्सेस बोलते हैं, मैंने ये भी बताया था, इन पर टिक लगा के आप मल्टीपल ऑप्शन को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, और रिसाइकल बिन में मैंने आपको बताया था कि ये रेडियो बटन कहलाते हैं जो प्रॉपर्टीज में शो करते हैं रिसाइकल बिन की, ये रेडियो बटन है, और इस ऑप्शन को मैंने बताया था इस पर क्लिक करने का मतलब है कि आपका कोई भी फोल्डर या फाइल डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में नहीं आएगा, डायरेक्टली यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ फिलहाल के लिए इतना काफ़ी होगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, मैं 1 से 2 दिन में आपको दूसरी वीडियो एमएस पेंट से रिलेटेड भी दूंगा। ठीक है, और एमएस पेंट से रिलेटेड वीडियो देने के बाद मैं आपको आगे फर्दर से नोटपैड वर्डपैड एक्सेट्रा भी कराऊंगा, और दोस्तों अभी मैं फिलहाल इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड करने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगेगी, अगर आपको ये काफ़ी अच्छी पसंद आए, काफ़ी अच्छी लगे तो आप मेरे को बताइएगा फीडबैक में, मैं इसके बारे में इस टॉपिक पे विंडोज़ में भी थोड़े बहुत टॉपिक और बचे हैं अगर आप बताएंगे फिर मैं वो भी आपको बताऊंगा, यानी इसका एक पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगा, लेकिन अगर आपको लगता है ये इनफ है काफ़ी है तो फिर मैं इसी वीडियो के बाद आपका एमएस पेंट अपलोड कर दूंगा, तो जैसा भी हो मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, मैं आपके लिए एक वीडियो और बना दूंगा अगर आपको लगता है, और बाकी इसके 60 से 70% ऑप्शंस कवर अप हो ही गए हैं, जो भी मेन मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे मैंने आपको सभी करा दिए हैं विंडोज़ में जो कराए जाते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और सब्सक्राइब करते वक्त बगल वाले बेल आइकन को जितने भी नए यूज़र्स हैं वो जरूर प्रेस कर दें, और बेल आइकन में भी आप ऑल का ऑप्शन प्रेस कीजिएगा तो आपका बड़ा धन्यवाद होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, धन्यवाद।